दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जल्द ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आपका अपना फेवरेट सीरियल बेपनाह सीजन 2 दस्तक देने जा रहा है। जैसा कि सभी दोस्तों को पता ही है कि बेपनाह सीजन 2 एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नई उम्मीद के साथ में अगेन कम बैक करने जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि किसी ना किसी वजह से पहले से ही काफ़ी चर्चाओं का विषय रहा है बेपनाह सीजन 1 भी, जिसमें रुबीना यानी आपकी जेनिफर विंगेट नज़र आई थी। जेनिफर विंगेट एंड हर्षी चोपड़ा दोनों का ही एक अच्छा खासा योगदान रहा था और सभी ऑडियंस ने दोनों को ही काफ़ी पसंद किया था। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बार और ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेपनाह सीजन 2 में फिर से जेनिफर विंगेट एंड हर्षी चोपड़ा अगेन कम बैक करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ, आदित्य का किरदार निभाने वाले एक्टर यानी हर्षी चोपड़ा, वहीं जोया का किरदार निभाने वाले एक्टर्स जेनिफर विंगेट, दोनों ही काफ़ी सुर्खियों का विषय बने हुए रहते हैं, लेकिन जल्दी ही अब एक बार फिर से दोनों का एक अलग अच्छी खासी बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी आप लोगों के बीच में। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेनिफर विंगेट ने अपना पुराना प्रोजेक्ट यानी कोड एम सीजन 2 भी कंप्लीट कर लिया है शूटिंग के दौरान, लेकिन अब मेकर से एक बार फिर से बात बनी है कि जल्दी ही आपकी अपनी फेवरेट जेनिफर विंगेट एंड हर्षी चोपड़ा बेपनाह सीजन 2 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी ना किसी वजह से जेनिफर विंगेट एंड हर्षी चोपड़ा पहले से ही काफ़ी अच्छे कलाकारों में से गिने जाते हैं और दोनों की ही फैन फॉलोइंग काफ़ी अधिक है। जेनिफर विंगेट ने एक सूत्रों के हवाले से बताया था कि उनकी इस बार बेपनाह सीजन 2 में जो भूमिका होने जा रही है वो जोया की भूमिका होने जा रही है, क्योंकि जोया एंड आदित्य की जोड़ी वाकई में सुपरहिट रही थी बेपनाह सीजन 1 में, इसलिए मेकर सीजन 2 की प्लानिंग पूरी तरीके से कंफर्म करा चुके हैं, जो कि 2022 के एंड में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे बात की जाए आपके अपने फेवरेट हर्षी चोपड़ा और जेनिफर विंगेट को बिग बॉस 15 का ऑफर भी मिला था, जो कि इन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू।